हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। और अच्छे में स्टार्ट करने वाला एक ब्रांड न्यू गेम को जिसका नाम है पोकेमॉन मिराज ऑफ टेल्स, जो कि आपने ऑलरेडी स्क्रीन पर देख लिया होगा। और ये गेम जो है वो काफ़ी अलग है दूसरे पोकेमॉन गेम से, बिकॉज इस गेम में अपना करियर खुद चूज़ कर सकते हैं। हम इसमें एक रेंजर बन सकते हैं या फिर हम एक रिसर्चर बन सकते हैं, और भी काफ़ी सारे करियर ऑप्शन हैं इस गेम में, बट वो अभी हो सकता है अवेलेबल ना हो बिकॉज ये गेम अभी अल्फा वर्जन में है। सो देखते हैं हम कितने करियर ऑप्शन अवेलेबल होंगे इस गेम में, और गेम जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी अच्छे हैं वैसे। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए चैनल सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियोस आप मिस कर सकते हैं। सो जा से कर दीजिएगा। और यहाँ पर ओके, हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है वैसे। और ये कौन है वैसे, लगता है क्लास रूम में हम एक। हेलो स्टूडेंट, इट्स नाइस टू फाइनली मीट यू। माई नेम इज़ मिस पियर्सन, ओके, एंड आई एम द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द पोकेमॉन ट्रेनर अकेडमी हेयर इन अंबर वैली। ओके, हम इसमें एक पोकेमॉन ट्रेनर अकेडमी में इस वक्त एक स्टूडेंट है बेसिकली। अभी हम ऑल ऑफ द एवलार रीजन्स ट्रेनर्स क्वालिफाइड टू वर्क विद पोकेमॉन हेयर। ओके, ओवर दिस पास्ट ईयर वी वॉच्ड यू ग्रो फ्रॉम अ साय टीनेजर इंटू अ कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्सिबल यंग ट्रेनर। ओके, विद योर फाइनल एग्जाम टुमारो मॉर्निंग इट्स सून बी ऑफिशियल, प्लीज फिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद योर डिटेल्स। ओके, यहाँ पर मुझे डिटेल्स फिल करनी है अपनी। ओके, एक फॉर्म है यहाँ पर। सो यहाँ पर एक सेकंड, मेरा नाम यहाँ पर मिराज क्यों है यार? मिराज जैसा नाम, किसी का नाम ऐसा मिराज हो सकता है यार? अजीब सा नाम है काफ़ी। मैं इसका नाम गीगा रखूँगा, जो कि मुझे काफ़ी सही लगता है नाम। और यहाँ पर जेंडर हम मेल ही रखने वाले हैं, एवरेज ठीक है बॉडी की हाइट वैसे। और यहाँ पर स्किन कलर वैसे लाइट ही ठीक है मेरे हिसाब से तो। और आइज़, ओके, आइज़ यहाँ पर काफ़ी अलग अलग। ओके, ग्लासेस भी है यहाँ पर। अरे वाह, कितना अजीब लग रहा है देखने में। ओके, टायर्ड आइज़ है यहाँ पर। वैसे मुझे लगता है नॉर्मल आइज़ सही रहेंगे यहाँ पर। और हेयर स्टाइल, ओके, हेयर स्टाइल थोड़ा अच्छा सा देते हैं हम यहाँ पर। ओके, ये सही लग रहा है यार मुझे देखने में, बाल ऊपर को। और ये कैसा अजीब सा हेयर स्टाइल है। ओके, ये भी थोड़ा ठीक है वैसे। और यहाँ पर बाकी तो ओके, ये मुझे थोड़े लड़की वाले हेयर स्टाइल लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इन्हें नहीं रखने वाला। ओके, ये थोड़े अच्छे हैं। ओके, वैसे मुझे लगता है वो सही था जो मैं स्टार्टिंग में लिया था। ओके, ये सही है। और हेयर कलर पर्पल, नहीं पर्पल नहीं रखना मैं। ओके, काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर कलर्स हैं यहाँ पर वैसे। और मुझे लगता है मुझे ब्लैक कलर सही रहेगा, ब्लैक ज़्यादा सही लगता है वैसे बेसिकली। ओके, फेस यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अपने ब्लीड्स भी रख सकते हैं, वाओ काफ़ी सही है वैसे। बट मैं यहाँ पर नॉन ही रखूँगा, सही है वैसे बेसिकली, वो अभी हम बच्चे ही हैं। ओके, फेवरेट कलर, यहाँ पर फेवरेट कलर मैं दूंगा इसे वाइट पिंक। ओके, काफ़ी अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर। ओके, ये ऑरेंज रेड सही लग रहा है मेरा फेवरेट कलर, मतलब ऐसा ही है कुछ। ओके, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अब हम। थैंक यू, यू विल रिसीव योर न्यू आईडी कार्ड शॉर्टली। ओके, दिस इज़ न्यूट्रन अ पोकेमॉन, अ पॉइजन टाइप पोकेमॉन। ओके, यू स्टडीड एंड प्रैक्टिस्ड विद वेरियस स्पीसीज ऑफ पोकेमॉन नोन बाय द अकेडमी थ्रू आउट द ईयर। दिस न्यूट्रन इज योर्स टू कीप। ओके, मेरा पोकेमॉन है, मतलब मेरा स्टार्टर पोकेमॉन बेसिकली। ओके, निक नेम नहीं देना मुझे, इसे निक नेम मतलब इसका न्यूट्रन ही सही है इसका नाम। वेल, इट लुक्स लाइक यू आर ऑल सेट। ओके, शुड यू पास योर फाइनल एग्जाम टुमोरो यू विल बिगिन योर न्यू लाइफ। ओके, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हम ओके, हम आ चुके हैं अपने रूम में। और यहाँ पर मेरा गीगा, मतलब मेरा कैरेक्टर बोल सकता है इस गेम में, चलो काफ़ी बढ़िया। Did not I set my alarm? What time is it? Okay, यहाँ पर अलार्म सेट करना भूल गया हमारा कैरेक्टर। ओके, टाइम में वैसे इस वक्त तो सही है वैसे ही टाइम तो। एक सेकंड में थोड़ा यहाँ पीछे करता हूँ टाइम को, बिकॉज यहाँ पर दोपहर में एग्ज़ाम देने कौन जाता है भाई। चलो 12 का टाइम रखते हैं, बिकॉज ये सही रहेगा। यस, ओके, अब यहाँ पर चेक करते हैं, बेटर गेट गोइंग। ओके, वैसे मुझे यहाँ जाना है अभी मेरा एग्ज़ाम। एक सेकंड, यहाँ पर मैं एक ऑप्शन सही कर लेता हूँ ज़रा। ओके, ये B2 वॉक सही रहेगा यहाँ पर, मतलब 20 से रन हम कर सकते हैं यहाँ पर। और फ्रेम, ओके, फ्रेम थोड़ा अच्छा से लूँगा मैं यहाँ पर अब की बार। वैसे इन गेम में फ्रेम काफ़ी अच्छे रहते हैं। ओके, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेम्स हैं यहाँ पर, मैं इस वाले को देख सकता हूँ यहाँ पर, ये वाला, ये सही है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं। ओके, हमारा रूम मेट है शायद, क्या नाम है इसका? ओके, सैब है इसका नाम। गीगा, डिड यू जस्ट गेट अप? यू बेटर स्टार्ट पैकिंग फास्ट, वी आर सपोज टू बी लिविंग टूडे, गुड लक विद योर एग्ज़ाम। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हम। वैसे इस तरफ एक गेट है। ओके, मैं यहाँ पर, ओके, वॉशरूम है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं अभी। मैं तो ऑलरेडी फ्रेश हो चुका हूँ यहाँ पर। सो चलते हैं यहाँ से बाहर। और रास्ता कहाँ है वैसे यार, ये क्या है? ओके, यहाँ पर है रास्ता यार, कितना हिडन रास्ता बनाया हुआ उन्होंने, मतलब पता भी चल रहा है यहाँ पर रास्ता है सही में या नहीं, ऐसा लग रहा है दीवार है। वैसे इस तरफ भी इसका मतलब कुछ होना, कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, एक रूम है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी कोई है, लिया इसका नाम। हैव नॉट यू स्टार्टेड पैकिंग? वी हैव टू मूव आउट टुडे। ओके, हाँ मुझे जाना है आज वैसे, उससे पहले मुझे एग्ज़ाम देना है बेसिकली, उससे मतलब बिना एग्ज़ाम दिए तो हम जा नहीं सकते यहाँ से। ओके, यहाँ पर कुछ और बच्चे भी हैं वैसे, हमारे दोस्त ही हैं वैसे बेसिकली, है जेरी इसका नाम है। वेयर डू यू थिंक वी विल ऑल एंड अप? गीगा, आई एम पुटिंग टुगेदर माई प्रडिक्शंस फॉर एवरी वन इन आवर क्लास।
पिक समवन एंड आई टेल यू व्हाट आई थिंक दे विल एंड अप डूइंग। ओके, यहाँ पर मुझे बताने वाला है लोगों के बारे में, मतलब हमारे दोस्तों के बारे में। ओके वेल ओके, व्हाट अबाउट मी, हाँ मेरे बारे में कुछ बताओ यार। आई हैव नो आइडिया अबाउट यू गीगा, यू आर अ टफ वन टू प्रेडिक्ट। ओके, मेरे बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ये। ओके एमिली ऐसा नाम, आई एम सो हैप्पी, नॉट ओनली डिड आई पास माई एग्जाम एंड ऑफिशियली बिकम अ ट्रेनर टूडे। ओके, आई नेवर हैव टू टॉक टू हार्वे अगेन, ही वॉज सच अ बुली। ओके, बुली करने वाला बच्चा हार्वे, उससे दोबारा बात नहीं करेगी अब। ओके, इसका नाम पैट है। गीगा डिड यू पास, मैंने अभी तक एग्जाम ही नहीं दिया वैसे। यू हैव नॉट टेकन द एग्जाम येट, जेरी एमिली एंड आई पास्ड ऑलरेडी, आई एम श्योर द रेस्ट ऑफ यू विल टू। ओके, सो निकलते हैं ऐसे। वैसे ये लोग तो अभी टीवी देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो अंबर वैली में इस वक्त हम, और यहाँ पर वैसे जाना कहाँ है वैसे मुझे एग्जाम देने के लिए। ओके, यहाँ पर एक रेड कलर की एक रूफ टॉप वाली बिल्डिंग है, वैसे तो हो सकता है ये पोकेमोन सेंटर हो। ओके, वैसे पोकेमोन सेंटर ही होते हैं वैसे इस तरह रेड रूफ वाले। रिसेप्शनिस्ट, ओके, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, न्यू ईयर आज, इट्स एग्जाम डे इज नॉट इट, बेस्ट ऑफ लक। ओके, वैसे एग्जाम है कहाँ पर, एक्सक्यूज मी, यू हैव नॉट पास्ड योर एग्जाम। ओके, यहाँ पर नहीं जाना इसका मतलब हमें, यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाला। एग्जाम मतलब उस जगह को ढूंढना पड़ेगा मुझे जहाँ पर हमारा एग्जाम होने वाला है। नीचे साइड मुझे ब्लू कलर वाला दिख रहा है, वो मार्केट होगा, और बाकी यहाँ पर घर है शायद से, चेक करते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, देखते क्या कर रहा है ये। आई कैन टेल यू अबाउट अलाइनमेंट्स, दिस डिस्क्राइब समवंस पर्सनैलिटी, योर अलाइनमेंट कैन चेंज बेस्ड ऑन योर एक्शंस। ओके, विच अलाइनमेंट्स वाले एक्सप्लेन, एक सेकेंड मुझे पता है भाई, अभी रहने देते हैं हम यहाँ पर, अभी मुझे एग्जाम देने के जाना वरना लेट हो जाऊँगा। और इस तरफ है एग्जाम वाला। ओके, यहाँ पर कोई ये सभी घर दिए हुए हैं बस यहाँ पर, और मुझे बताया भी नहीं उन्होंने मुझे एग्ज़ाम कहाँ देना है। ओके, यहाँ पर तो लगता है माइंस। ओके, हाँ ये माइंस आ गए यहाँ पर। ओके, अंबर माइंस, ठीक है मुझे यहाँ पर नहीं जाना, अभी माइनिंग तो नहीं करनी, तो एग्ज़ाम देने के चलते अभी हम ढूंढते हैं उस जगह को, कहाँ पर होगी वो जगह एग्ज़ाम देने वाली। ओके, यहाँ पर भी नहीं है वैसे कोई घर अलग सा। ओके, ये क्या है वैसे, एक सेकंड, यहाँ पर एक बच्चा भी है। आई बेट यू फेल लूज़र। ओके, हार वे है ये, बुली करता है ये बच्चा, ये सभी बच्चों को, मुझे भी करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एवलर पोकेमोन एकेडमी। ओके, यहाँ पर यही है, हमें यहीं पर एग्ज़ाम देना है बेसिकली। ओके, यहाँ पर मिसिस पियर्सन भी है। गीगा व्हाट टाइम डू यू कॉल दिस। ओके, लगता है मैं लेट हो गया काफ़ी। ओ वेल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर यू नर्वस। मुझे तो लगता है मैं नर्वस हूँ, प्लीज़ डोंट बी नर्वस, आई एम श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड, हियर्स योर न्यू आईडी कार्ड। ओके, सो यहाँ पर मुझे आईडी कार्ड मिला है मेरा। ओके, चलो काफ़ी बढ़िया, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ बेसिकली यहाँ पर अब। व्हेन यू आर रेडी गो टू द एग्ज़ाम रूम, आफ्टर दैट यू कैन गो टू द एरिया ऑन द लेफ्ट टू स्पीक टू करियर रेप्स। ओके, गुड लक। सो यहाँ पर मुझे जाना है अभी एग्ज़ाम देना है पहले, तो उसके बाद मैं अपने करियर ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ इस तरफ से। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अपने मतलब हमारे काउंसलिंग करने के लिए बैठे हुए हैं शायद, अब पता नहीं चला, तो देखते हैं। एग्ज़ाम रूम कहाँ पर है, ऊपर ऊपर है क्या, एक बार चेक करते हैं एक बार जाकर। वेर आर यू गोइंग गीगा। ओके, यहाँ पर यहाँ नहीं जा सकता मैं बेसिकली, मैं यहाँ पर लाइब्रेरी है तो वहाँ पर तो एग्ज़ाम होगा नहीं। ओके, यहाँ पर ओके ये है एग्ज़ाम रूम। तो एक सेकंड, मैंने यार एक चीज़ तो देखी नहीं, मेरे पोकेमोन को अटैक कौन से आते हैं, चेक कर दूँ एक बार मैं। निडोरान है मेरे स्टार्टर पोकेमोन, और यहाँ पर इसकी एबिलिटी है एक पॉइजन पॉइंट। ओके, मतलब कॉन्टैक्ट में अगर कोई पोकेमोन आएगा हमारे पोकेमोन के, तो वो उसे पॉइजन हो सकता है। बाकी इसका अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और स्पेशल अटैक भी ठीक है वैसे। ओके, सर अटैक आते हैं, पिक अटैक, लियर, पॉइजन स्टिंग एंड फोकस एनर्जी, चलो काफ़ी ठीक है अटैक वैसे तो। सो अब चलते हैं यहाँ पर हम अपना एग्ज़ाम देने के लिए। ये रहे हमारे, ओके इन्विजिलेटर रहे। द फाइनल स्टूडेंट, दिस इज़ द डे यू लॉन्ग अवेटेड, ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क एंड ऑल दोज वर्क्स हावर्स ऑफ स्टडी विल बी पुट टू द टेस्ट, आर यू रेडी। हाँ बिल्कुल, मैं इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर मुझे एग्ज़ाम देना अपना। ओके, बैटल करके एग्ज़ाम देना यार इनका, काफ़ी सही है, बैटल करके एग्ज़ाम देना पड़ता है। ओके, उसका यहाँ पर ये हमारे सामने एक रोक रूफ जो है वो एक रोक टाइप पोकेमोन है, जिसके अगेंस्ट यहाँ पर मैं पिक अटैक तो नहीं कर पाऊँगा, बट मैं यहाँ पर लेयर अटैक करने की कोशिश करता हूँ। लेयर से उसके यहाँ पर थोड़ा डिफेंस कमज़ोर होगा। ओके, उसे यार पॉइजन क्यों नहीं हो रहा यार, वो मेरे कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ओके, अब वो सैन अटैक कर रहा है यहाँ पर, लेयर कर दे यार। ओके, नहीं किया उसने लेयर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर पिक अटैक करूँगा अबकी बार। ओके, वो एक्यूरेसी कम कर रहा है मेरी बार बार सैन अटैक कर करके। ओके, मैं थोड़ा सा ओके, उससे पॉइजन हो गया, चलो काफ़ी बढ़िया, अब तो वैसे आराम से हरा दूंगा बस। चलो अब तो गया वो, उसे पॉइजन हुआ है वैसे भी, काफ़ी बढ़िया, हमने यहाँ पर अपना एग्ज़ाम पास कर लिया बेसिकली, और लेवल भी मिल गया, मतलब एक्सपीरियंस भी मिल गया मेरे यहाँ पर नीटोरियन को, उसका लेवल भी हो गया, तो काफ़ी बढ़िया। ओके, एक सेकंड, यहाँ पर मैं खुद चूज़ कर सकता हूँ मुझे क्या बढ़ाना है अपने पोकेमोन का। वैसे ये एक अटैक वाला पोकेमोन, तो यहाँ पर मैं इसका अटैक बढ़ाता हूँ बेसिकली। यहाँ पर मैं पिक अटैक है मेरे पास, अटैक करने वाला अटैक जो भी कह रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पर अब हमने एग्ज़ाम पास तो कर ही लिया है, हमें यहाँ पर लगता है आगे बढ़ सकते हैं इस गेम में। ओके अंकल, वैसे इन्विजिलेटर ने मुझे पैसे भी दिए यहाँ पर, कंग्रेचुलेशंस गीगा,
आई एम वेरी प्लीज टू अवॉर्ड यू अ पास। ओके, मेरे करेक्टर यहाँ पर खुशी के मारे कूद रहा है यहाँ पर। चलो काफ़ी बढ़िया, हम यहाँ पर पास हो चुके हैं बेसिकली। अब फर्स्ट टाइम पास इज लाइक यू आर रेयर, यू विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रेनर। ओके, यू नाउ ऑफिशियली हैव अ लीगल परमिट टू ओन एंड वर्क विद पोकेमोन, यू विल रिक्वायर दिस। ओके, पोकेडेक्स मिल चुका है मुझे यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया। इससे मैं डाटा रिकॉर्ड कर सकता हूँ पोकेमोन्स का। वी एट द अकेडमी वी सी यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। ओके, वी होप यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेनर एंड डैट यू आर सक्सेसफुल इन एनी करियर यू चूज। ओके, परहैप्स वी विल मीट अगेन समडे। ओके, सो चलते हैं यहाँ से बाहर अभी हम, और मुझे अपना करियर भी चूज़ करना है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से करियर ऑप्शन हमें मिल सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ रोज, आई एम अ रिसेप्शन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेंजर यूनियन। ओके, रेंजर है मतलब ये। हैव यू थॉट अबाउट बिकमिंग अ पोकेमोन रेंजर? रेंजर, एक सेकंड यार, थोड़ा मैं वेट करता हूँ ज़रा। मैं यहाँ पर और भी करियर ऑप्शन देखने जाता हूँ बेसिकली। हेलो, आई एम ईथन, आई वर्क इन द एवलारियन पोकेमोन रिसर्च सेंटर विद द प्रोफेसर। ओके, डू यू थिंक यू वुड लाइक टू बिकम अ पोकेमोन रिसर्चर लाइक मी? देखते हैं ऐसे भी वैसे, अभी मैं और भी चेक करने वाला हूँ यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हैं। सॉरी स्वीटी, इट लुक्स लाइक ऑल ऑफ यू वॉन्ट टू वर्क विद द मीडिया। ओके, मीडिया वाले हैं इसका मतलब ये। आई कैंट एक्सेप्ट एनी मोर एप्लीकेशंस, यू विल हैव टू लुक फॉर अनदर जॉब। ओके, सो यहाँ पर मतलब फुल हो चुकी हैं सीट्स। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं। यू वॉन्ट टू बिकम अ सीकर, जॉइन द क्यूई, वीव बीन ओवरवेल्म दिस ईयर। आई एम सॉरी, आई कैंट टेक एनी मोर एप्लीकेशंस, देर आर टू मैनी। ओके, ये भी फुल हो चुके हैं यहाँ पर। लास्ट बचता है यहाँ पर, ये कौन है? आई इमोगन। ओके, ऑफिसर इमोगन टू यू, आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट द पुलिस। ओके, पुलिस वाले हैं ये लोग, मतलब मैं पुलिस में जा सकता हूँ यहाँ से। अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ ऑल माई इंटरव्यू स्लॉट, सॉरी। ओके यार, लगता है मैं कुछ ज़्यादा लेट हो गया यहाँ पर, मैं और करियर ऑप्शन नहीं ले पाया। सो यहाँ पर मेरे पास दो ही करियर ऑप्शन मिलते हैं, एक रेंजर बनना और एक है रिसर्चर बनना। तो मुझे लगता है मैं रेंजर बनना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज रेंजर्स जो है अलग अलग एडवेंचर्स पे जाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं रेंजर बन जाता हूँ एक। यस, ओ ग्रेट, इन दैट केस आई शैल अरेंज एन इंटरव्यू स्लॉट फॉर यू। डू यू नो ऑफ द कैफे इन क्लिफ्ट ऑफ टाउन? मीट मी देयर लेटर। ओके, मुझे क्लिफ्ट ऑफ टाउन जाना है। सो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू होने वाला है बेसिकली, और यहाँ पर मैं ऊपर जा सकता हूँ क्या? चेक करता हूँ एक बार। वेयर आर यू गोइंग गीगा? ओके, मैं जा नहीं सकता अभी वहाँ पर। सी यू सून गीगा? ओके, यहाँ पर मैं लाइब्रेरी जा सकता हूँ। ओके, डोर लॉक पड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से बाहर निकलते हैं अभी हम, हमारा इंटरव्यू कम्प्लीट हो मतलब हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना है अभी। कॉन्ग्रेचुलेशन गीगा, हैव यू चूजन अ प्रोफेशन येट? हाँ बिल्कुल, मैं चूज़ कर लिया है। यू अप्लाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द रेंजर यूनियन, दैट्स वंडरफुल, अ वेरी रिस्पेक्टेबल करियर चॉइस। ओके, वेल दिस इज़ इट, यू आर नाउ फ्री टू गो। बिफोर यू सेट ऑफ ऑन योर जर्नी, गो बैक टू द रेसिडेंस हॉल प्लीज़, यू हैव टू रिटर्न योर की एंड योर अकेडमी यूनिफॉर्म। ओके, मुझे अकेडमी यूनिफॉर्म वापस करनी पड़ेगी जो भी मैंने पहनी हुई है। गुड बाय गीगा। चलो ठीक है, यहाँ पर अभी मुझे वापस जाना है अपने हॉल में, जहाँ पर मैं स्टार्टिंग में था। थोड़ी जल्दी चलते हैं वहाँ पर। और वो बच्चा कहाँ गया यार, जो मुझे बुली कर रहा था पहले? मैं उसे बताना चाहता था मैं पास हो गया, उसका बिल्कुल मैं झंड कर सकता था यहाँ पर। बट ओके, वो सभी लोग यहाँ जा चुके हैं इसका मतलब। सो अभी हम यहाँ पर ऊपर चलते हैं और देखते हैं हमारा मतलब, हमें यहाँ पर अपनी यूनिफॉर्म वापस करनी है बेसिकली। यहाँ पर अभी हम चलते हैं। इट्स सैड लिविंग, बट आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। ओके, आई लीव माई की एंड यूनिफॉर्म इन द बाथरूम। ओके, बाथरूम में जाना है हमें। सो यहाँ पर है। ओके, ये रहा, मुझे याद था पहले। चलो अच्छा, मैंने यहाँ पर देख लिया। ओके, यहाँ पर मैं कैरेक्टर चेंज कर लिया अपनी यूनिफॉर्म वगैरह, और हम अपने नॉर्मल कपड़ों में आ चुके हैं यहाँ पर। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं अभी। वैसे मेरे बाकी दोस्त लगते जा चुके हैं यहाँ से। हाँ, सभी लोग जा चुके हैं, तो हम भी चलते हैं यहाँ से अभी। हमारा तो वैसे कुछ काम है नहीं, और मुझे जाना है अभी क्लिफ्ट ऑफ टाउन, और यहाँ पर जा सकता हूँ अभी। मैं यहाँ पर एक केव थी वैसे, इस तरफ थी वो केव। ओके, ये कौन है अब? मैन, डू आई मिस माई ओल्ड ओनिक्स? आई स्वेप्ट इट फॉर अ लैक एंड रोज। ओके, थिंक केयरफुली बिफोर यू ट्रेड। ओके, इसने कुछ गलत पोकेमोन ट्रेड कर लिया यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर एक रोकरूफ भी है यहाँ पर, वूफ। ओके, और ये लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाय गीगा, आई एम टेकिंग रोकी फॉर अ वॉक। ओके, रोकी है इसका नाम, रोकरूफ का। ओ बॉय, इट्स इज़ ओबेस्ट विद पोकेमोन। आई होप वी चूज़ अ गुड करियर। आई सपोज एवरीवन्स ओपिनियन ऑफ अ गुड करियर इज़ डिफरेंट। वी आर क्विट एक्सेप्टिंग हेयर, बट आई नो अदर टाउन फोक्स कैन बी जजमेंटल। ओके, सो चलते हैं ऐसे नीचे अभी हम। वहाँ पर एक माइन थी वैसे, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ एक बार, हो सकता है वहीं पर हमें जाना हो। ओके, यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ से हमें जाना है आगे। देखते हैं हम यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। ओके, हम पर माइंस में आ चुके हैं हम यहाँ पर, सीधे सीधे चलते हैं अभी तो। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है। अरे यार, इस तरफ चलते हैं अभी यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ओके, चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से।
एक जगह और रहती है बस यहाँ पर, इस तरफ देखते हैं अभी हम। ओके यहाँ पर कुछ लोग हैं वैसे जो पहले बाहर खड़े हुए थे अब यहाँ पर। ओके बैटल करना है क्या ने? यू आर माइनिंग हेयर टू फाइंड एनी थिंग गुड। अरे यार मैं माइनर नहीं हूँ यहाँ पर, मैं तो अभी यहाँ पर ऐसे घूमने आया था बस। तो ये मुझसे बैटल करने वाले हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या कितने। ओके एक ही पोकेमॉन, चलो काफ़ी बढ़िया। ड्रिल बर। ओके मैं पर लेयर अटैक करता हूँ ज़रा, देखते हैं ऐसे मतलब डैमेज तो दे पाऊंगा इससे मैं उसे। ओके स्क्रैच अटैक कर रहा है वो। ओके डिफेंस का और कमज़ोर कर दिया मैंने उसका। ओके पॉइजन पॉइंट्स से पॉइजन हो चुका है, चलो काफ़ी बढ़िया। वैसे काफ़ी फ़ायदा रहता है पॉइजन टाइप पोकेमॉन का, पॉइजन कर सकते हैं हम यहाँ पर किसी को भी। ओके फिर से स्क्रैच कर रहा है वो, और अब की बार शायद वो फेंट होगा। ओके हो गया, चलो काफ़ी बढ़िया, चलो काफ़ी बढ़िया, हमने यहाँ पर जीत लिया हमारा बैटल एक और। आई गेस माई हेड टॉर्च नीड्स न्यू बैटरीज। हो क्या सही बात है, इससे मुझे गलत इंसान समझ लिया इसने मुझे। ओके यहाँ पर बैटल्स ही कर रहे हैं ये सभी लोग। ओके चलो बैटल करना पड़ेगा अब मैं यहाँ पर। और मेरे यहाँ पर नीडोरानी की एचपी थोड़ी कम है यार, मैंने शॉपिंग भी नहीं की थी अभी, तो दोबारा लिया अटैक करूँगा यहाँ पर मैं। ओके स्क्रैच ही कर रहा है वो, चलो काफ़ी बढ़िया। उसे एक उसे पहली बार में पॉइजन हो गया। ओके दोबारा से लियर अटैक, और अब की बार मैं उस पर अटैक करने स्टार्ट कर दूंगा वैसे। ओके लिटरली एच पी इतनी कम रहती है यहाँ पर, लगता है मैं हार जाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके मैं हार गया, मुझे लग ही रहा था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा वापस चलेंगे वहाँ पर। बट अब की बार मैं यहाँ पर एक काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर शॉपिंग करके जाऊँगा पहले से ही। और मार्केट वैसे इस तरफ थी या उस तरफ थी? नीचे साइड है मार्केट, तो मैं भूल गया। ओके ये रही मार्केट यहाँ पर। ओके वी करेंटली हैव एन एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर न्यू अकेडमी ग्रेजुएट्स। ओके मेरे लिए यहाँ पर ऑफर चल रहे हैं। इट्स अ स्टार्टर पैकेज ऑफ एसेंशियल आइटम्स, इट्स कॉस्ट 1000। ओके 1000 रुपीज़ या यस प्लीज़ मुझे दे दीजिए वो क्या भी पैकेज जो भी है। ओके मुझे यहाँ पर कुछ वेरियस आइटम्स मिल चुके हैं, देखते हैं कौन से आइटम्स मिले हमें। ओके यहाँ पर और भी मार्केट, एक सेकंड मैं अभी शॉपिंग नहीं करना चाहता, मैं एक बार देख लेता हूँ मुझे आइटम्स कौन से मिले हैं 1000 रुपीज़ में वैसे। ओके यहाँ पर पोशन मिला है मुझे, पैरलाइज हील, एंटीडोट और अवेकनिंग। ओके ओके एक पोकेबॉल मिली है मुझे यहाँ पर, बेसिक बॉल। ओके अ बेटर दैट वर्क्स बेटर ऑन वीकर पोकेमॉन। ओके ये वीकर पोकेमॉन काफ़ी अच्छी काम आती है। ओके ये कौन है वैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं? यू आर जस्ट बिगिनिंग योर जर्नी आर नॉट यू, डू यू नो वेयर द माइनर्स लॉन्ज इज, दैट्स वेयर आई लिव मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके कम एंड सी मी देयर व्हेन यू हैव मोर एक्सपीरियंस। ओके आई विल टीच योर पोकेमॉन अ न्यू मूव, हैप्पी न्यू ईयर। ओके सो चलना है मुझे यहाँ पर। ओके यहाँ पर ये माइनर लॉन्च कहाँ पर होगा, ये है क्या? ओके ये साइड में ही है मतलब, बिल्कुल। चलो काफ़ी बढ़िया, वापस चलते हैं वहाँ पर एक बार। मैं दोबारा से बैटल करना चाहता हूँ उन सभी से, सबसे तो नहीं मतलब एक से तो कर ही लूँगा बैटल, दो बंदे बचे थे वहाँ पर मुझे लगता है। ओके ये है एक, इससे करते हैं पहले बैटल, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। ओके एक ही पोकेमॉन वैसे इसके पास, ड्रिलबर, तीनों के पास यार एक जैसे ही पोकेमॉन है बेसिकली। लियर अटैक करते हैं दोबारा से यहाँ पर। ओके दोबारा स्क्रैच कर रहा है वो, पॉइजन नहीं हुआ अब की बार उससे पहले। ओके अब की बार हुआ, चलो दूसरी बारी में। ओके चलो काफ़ी बढ़िया। ओके अब मैं यहाँ पर करूँगा पिक अटैक और फेंट कर दूँगा उसे इससे। ओके गया वो काफ़ी बढ़िया, और यहाँ पर लेवल अप भी हो चुका है नीडोरैन का, और मैं यहाँ पर इसका अटैक बढ़ाना चाहूँगा अब की बार दोबारा से 18 अटैक। ओके यहाँ पर डबल किक सीख रहा है, चलो काफ़ी बढ़िया। मैं इसे यहाँ पर रुक टाइप पोकेमॉन पर भारी पड़ सकता हूँ काफ़ी, फोकस एनर्जी हटा देता हूँ अभी, मैं उसका यूज़ नहीं करता बेसिकली। ओके यहाँ पर लेवल 7 हो गया वैसे इसका, यहाँ पर मुझे लगता है एक पोकेमॉन कैप्चर कर लेना चाहिए मुझे अभी तक, तो अभी तक मुझे कोई पोकेमॉन मिला नहीं है वैसे बेसिकली यहाँ पर। आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल शार्ड टुडे, हैव यू? नहीं मुझे नहीं मिला। मैपाल मेलकोन, ओके लॉस्ट हिज हेड, हैव यू सीन इट? नहीं मैंने कोई हेड नहीं देखी किसी की, और यार बैटल कर रहे हैं मुझसे ये तीनों लोग, बैटल ही कर रहे हैं वैसे, लगता है बोर हो चुके हैं यहाँ पर काम कर करके। ओके रोग एंड लोला, वैसे मैं इसे आराम से रह सकता हूँ यहाँ पर, लियर अटैक करता हूँ पहले तो मैं, उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा डबल किक। ओके गया वो काफ़ी बढ़िया, हमने उसे एक ही मतलब एक नहीं दो अटैक्स मराया हमने बेसिकली उसे, मैंने पहले लियर अटैक कर दिया था। ओके ड्रिल बर, ठीक है यहाँ पर मैं लियर अटैक दोबारा करूँगा। ओके वो स्क्रैच कर रहा है, ओके उसे पॉइजन भी हो चुका है, काफ़ी बढ़िया। और मैं अपनी बार करूँगा यहाँ पर डबल किक, ओके काफ़ी बढ़िया। ओके फिर से स्क्रैच किया उसने यहाँ पर, चलो अबकी बार फेंट हो जाएगा वो, काफ़ी बढ़िया हमने उसे हरा दिया यहाँ पर। और हमने एक और बैटल जीत लिया यहाँ पर अपना, और यहाँ पर मैं इसका अटैक अब की बार नहीं बढ़ाऊंगा मैं इसका, यहाँ पर मैं डिफेंस बढ़ा देता हूँ थोड़ा, डिफेंस भी बढ़ाना जरूरी है काफ़ी। ओके चलो यहाँ पर बैटल कम्प्लीट हो चुका है हमारा, और हमने सभी को हरा दिया बेसिकली। यू प्रोबेबली शुड नॉट बी डाउन हेयर विदाउट हैट, ओके सो यहाँ पर वैसे और कुछ तो है नहीं, यहाँ पर बंद पड़ी हुई जगह, तो यहाँ से निकलते हैं अभी हम बाहर, और हमें जाना है वैसे क्लिफ्ट ऑफ टाउन, और यहाँ से रास्ता नहीं था बेसिकली। ओके वैसे मुझे अपने पोकेमॉन को थोड़ा हेल भी कराना है वैसे यहाँ पर, मैं हेल कहाँ से कराऊंगा वैसे मैं, एक सेकंड यहाँ पर मेरे पास एक पोशन पड़ा हुआ है बस, मैं थोड़े पोशन और ले लेता हूँ ज़रा, मेरे पास 1000 रुपीज़ तो पड़े होने चाहिए थे वैसे, मैंने और भी पैसे कमाए हैं यहाँ पर। ओके पोशन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर ज़रा एक। ओके अब बेसिक बॉल ले लेता हूँ एक, मैं दो
तीन ईजी में दो ईजी है बस। ओके काफ़ी अच्छे, अपने यहाँ पर एक को लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके काफ़ी बढ़िया, निकलते हैं अब यहाँ से बाहर। ओके अब मुझे यहाँ जाना है क्लिफ्ट ऑफ टाउन, और उससे पहले मुझे अपने पोकेमॉन्स को हिल कराना है यहाँ पर। ओके यहाँ कर सकता हूँ शायद मैं। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर इन। इन का मतलब क्या है यार? यस मुझे रेस्ट करना है वैसे यहाँ पर। ओके रेस्ट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पर शायद से। हाँ मुझे पैसे देने पड़े यहाँ पर। ओके चलो ठीक है, यहाँ से चलते हैं वापस। ओके यहाँ पर जाना है हमें। ओके हम सो सकते हैं यहाँ पर, चलो काफ़ी बढ़िया भाई। इनका अजीब सिस्टम है काफ़ी, हम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे लगते हैं पोकेमॉन हील हो जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। ओके हाँ ऐसा ही है सिस्टम, चलो काफ़ी बढ़िया। वैसे अलग सिस्टम है काफ़ी गेम में, हम यहाँ पर अपने पोकेमॉन को हील कर सकते हैं सोकर। वैसे मैं यहाँ पर सो सकता था अपने अपने रूम में जाकर, बट मैं अब वहाँ पर नहीं रह सकता बेसिकली। ओके यहाँ पर नहीं जाना मुझे अभी। ओके चलते हैं यहाँ से बाहर, मतलब इस तरफ। ओके यहाँ पर एक रोगन रोला है, वैसे रोगन रोला मैं कैप्चर नहीं करना अभी। और यहाँ पर चलते हैं हम ऊपर। ओके एक स्पोइंक है यहाँ पर, चलो स्पोइंक कैप्चर करता हूँ यहाँ पर मैं। एक साइकिल टाइप पोकेमॉन है, स्पोइंक सही रहेगा कैप्चर करने के लिए। ओके दो लेवल का स्पोइंक, चलो ठीक है। अब पोकेबॉल, एक सेकंड, मुझे पोकेबॉल अभी यूज़ नहीं करनी, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पिक अटैक। ओके स्प्लैश अटैक आता है उसे भी। ओके दोबारा से स्प्लैश कर रहा है यार, मैं यहाँ पर करूँगा दोबारा। अब यहाँ पर यूज़ करता हूँ पोकेबॉल का, जिससे मैं उसे कैप्चर कर सकूँ बेसिकली यहाँ पर। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पोकेबॉल जो कि मैंने खुद कैप्चर किया है, वैसे ही उसका डाटा हमारे पास आ चुका है। देखते हैं इसका डाटा क्या है। अ पोकेमॉन डैट मैनिपुलेट्स साइकिक पावर एट विल, इट डज नॉट स्टॉप बाउंसिंग इवन वैन इट इज़ एसलीप। ओके इट लव्स ईटिंग मशरूम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड। ओके अंडरग्राउंड मशरूम जो ग्रो होते हैं इसे पसंद है वो काफ़ी खाने में। और यहाँ पर एक केव है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ रास्ता बंद पड़ा हुआ है। ओके उधर से हम इधर आ सकते हैं। ओके यहाँ पर एक और स्प्रिंग आ गया। वैसे यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर पोकेमॉन्स हमें बाहर घूमते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं वैसे। ओके ऊपर वो क्या है, एक ब्लू कलर का एक रिंग टाइप पड़ा हुआ है, और वहाँ जाने का कोई रास्ता भी नहीं है यार वहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे हम। और इस तरफ हम क्लिफ टॉप टाउन पहुँच गए हैं, काफ़ी बढ़िया। अब काफ़ी सिंपल रास्ता था वैसे आने का यहाँ पर तो। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। स्नोमैन बना रहे हैं, और स्नोमैन इज़ मेल्टिंग। ओके मेल्ट हो रहा है स्नोमैन इसका। आई एम ग्लेड विंटर इज़ कमिंग ऑन एन टू एन एंड, इट गेट्स सो कोल्ड एट द टॉप ऑफ माउंट ओर। ओके द स्नो सीम्स टू बी मेल्टिंग अवे, बट इट्स स्टिल अ लिटिल चिली। ओके फिर यहाँ पर मुझे ढूंढना है उस रोज़ को जो कि मुझे मिलने वाला है, पता नहीं क्लिफ्ट उससे कहाँ तक कैफे, मुझे कैफ़े में मिलेगा वो, बट कैफे अभी तक मुझे मिला नहीं यहाँ पर। ओके ये कैफ़े है, चलो ठीक है ये मतलब मैं काफ़ी आसानी से मिल गया मुझे कैफ़े, तो यहीं पर होगा वो। और मुझे यहाँ पर मेरा इंटरव्यू देने वाला है कैफ़े के अंदर, मुझे यहाँ पर कैफ़े में काम थोड़ी ना करना है। गीगर यू मेड इट, थैंक्स फॉर अरेविंग ऑन टाइम। ओके नाउ यू शुड नो दैट द यूनियन लीडर्स नेम इज़ जैस्पर। ओके वी विल वॉन्ट टू नो इफ यू आर रियल रेंजर मटीरियल बिफोर हायरिंग यू, दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू एसिस। लेट मी टेल यू वॉट यू विल बी डूइंग टू प्रूव योर सेल्फ टू अस। सो यहाँ पर हमें कुछ प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को रेंजर बनने के लिए। एक वी हेयर द सीकर्स हैव डेवलप्ड अ स्पेशल फ्लूट दैट ओनली द रेयरेस्ट पोकेमॉन इन द माउंट और विल हेयर। ओके इट्स बैडली अपसेट दैम एंड ट्रिक दैम इन टू लिविंग देयर नेट्स। ओके इट्स कम्प्लीटली अनएथिकल, वुड यू एग्री। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो यहाँ पर एक उन्होंने फ्लूट्स बनाए, एक फ्लूट बनाई उन्होंने जिससे कि जो कि एक रेयर पोकेमॉन सुनाई देती है बस, और वो यहाँ पर अपने नेट्स को छोड़ के चला जाता है वहाँ से जब भी वो उस फ्लूट को सुनता है, तो ये काफ़ी गलत बात है वैसे उनकी। व्हाट्स आई लाइक यू टू डू इज टू गो टू माउंट ओर एंड इन्वेस्टिगेट, आई विल कैच अप विद यू लेटर टू सी हाउ यू मैनेज्ड बाय फोन नाउ। ओके सो यहाँ पर मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे उस फ्लूट को लेकर आना पड़ेगा इसके पास। ओके यहाँ पर मैं इन्वेजिलेटर में यहीं बैठा हुआ है। हेलो अगेन, आर यू वेल गीगा? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर ये ओके ये कौन है? ओके मिस पियर्सन यहाँ पर है। बी गुड गीगा, रिमेंबर यू रिप्रेजेंट द एकेडमी। ओके और यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं वैसे, खाना पीना खा रहे हैं अपना। चल निकलते हैं यहाँ से, और मुझे भी ढूंढने के लिए जाना है उस फ्लूट को। वैसे फ्लूट मुझे मिलने कहाँ वाली है? इस तरफ देखते हैं एक बार, यहाँ पर वैसे घर भी हैं काफ़ी लोगों के। ओके मार्केट भी है यहाँ पर एक, देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है वैसे। ओके पुलिस वाले अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? वी विल बी थ्रूली इन्वेस्टिगेटिंग दिस रोबरी, डोंट वरी सिटीजन। ओके यहाँ पर चोरी हो चुकी है बेसिकली। ओके बाय द, मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। ओके और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ, सर ये कहीं चोर तो नहीं है? द पुअर क्लर्क हैज़ हैड अ बैड डे, इट्स सच अ सेम, वाइल ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड समवन लोड्स ऑफ आइटम्स फ्रॉम द बॉक्सेस। ओके चोरी हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बॉक्सेस हैं, द बॉक्सेस एम्प्टी, समवन मोस्ट हैव स्टोलन द स्टॉक। ओके
उसने यहाँ पर पूरा का पूरा स्टोर की चोरी कर लिया। और तो यहाँ पर जाना है माउंट टोर में, ओके यहीं पर है वो केव बिल्कुल नीचे। इन्होंने माउंट टोर के ऊपर ही बिल्कुल अपना टाउन बसाया हुआ है पूरा क्लिफ्ट ऑफ टाउन। ओके ये क्या चीज़ है, चेक करते हैं इसे। इट्स एन अनफिनिश्ड साइन पोस्ट। ओके साइन पोस्ट, ओके कोई साइन वगैरह होगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर ओके बैटल करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, चलो कर लेता हूँ बैटल में पहले से। हो डेट आई वॉज अ क्लोज कॉल, माई डायरो नियरली बीट योर न्यूट्रेन। ओके मुझे हराने वाला था, मतलब ये मीन लगता है वैसे, मेरे न्यूट्रेन तो काफ़ी तहेल है पहले से। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मेरे यहाँ जो स्पॉइन किया वो थोड़ा डेवलप तो हुआ है बट उसकी यहाँ पर एचपी काफ़ी कम है। ठीक है तो यहाँ पर मैंने हील कर लिया अपने पोकेमोन्स को। एक सेकंड यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर निडोरन को आगे कर देता हूँ बैटल में। निडोरन को नहीं, मैं स्पॉइन का करता हूँ यहाँ पर बैटल में, जैसे कि यहाँ पर बैटल में उसकी ट्रेनिंग करा सकूँ थोड़ी सी। ओके यहाँ पर कुछ और बैटल्स मुझे करते हैं, पढ़ सकते हैं और इस तरह तो कुछ नहीं है वैसे। ओके एक बैटल और करना है यहाँ पर, चलो करते हैं बैटल को। और यहाँ पर ज़्यादातर मुझे हाइकर्स ही मिल रहे हैं वैसे दो पोकेमोन्स के पास। ओके रोकरूफ, और यहाँ पर से एक ही अटैक आता है जो कि साइवेव, जो कि इसने लेवल 3 पर आकर सीखा है, पहले बस इसे स्प्लैश अटैक आता था। ओके मैं यहाँ पर यही करूँगा, करने वाला हूँ बेसिकली, और तो कोई अटैक कर नहीं सकता यहाँ पर मैं। ओके स्प्लैश, अरे हमें स्प्लैश क्यों कर दिया यहाँ पर, स्प्लैश है तो कुछ भी नहीं होता लिटरली। यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ पोकेमोन को वरना ही फेंट हो जाएगा स्पॉइंक। ओके अटैक अटैक कर रहा है वो, बट उसे यहाँ पर पॉइजन हो गया, चलो काफ़ी बढ़िया। पिक अटैक, वैसे पिक अटैक से वो डैमेज तो नहीं पड़ने वाला उसे। ओके पॉइजन स्टिंग करता हूँ यहाँ पर मैं। ओके थोड़ा सा रहता है बस, वो फेंट होने वाला है। ओके यहाँ पर हो गया फेंट, काफ़ी बढ़िया। स्पॉइंक का लेवल अप भी हो चुका है यहाँ पर, मैं इसका स्पेशल अटैक बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ओके यहाँ पर स्विच कर देता हूँ पोकेमोन को। और यहाँ पर मैं उसका मतलब पोकेमोन कौन सा था, मैं सही से देखा भी नहीं यार। ओके रोग एंड रोला, और यार ये एक रोग टाइप पोकेमोन है। साइवे भी करता हूँ यहाँ पर मैं, वैसे एक ही अटैक कर सकते हैं। ओके दो एचपी पर छोड़ दिया उसने यार, हील करता हूँ मतलब यहाँ स्विच करता हूँ ज़रा मैं पहले पोकेमोन को। और यहाँ पर टैकल अटैक कर रहा है वो। ओके अटैक नहीं करना मुझे, अटैक करना है बेसिकली यहाँ पर मुझे, चेंज नहीं करना पोकेमोन को। ओके वीक आर्मर उसकी एबिलिटी यहाँ पर, वो डिफेंस कमज़ोर हो गया उसका, उसकी स्पीड बढ़ चुकी है यहाँ से। ओके लिटरली वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है अब तो। अरे यार मैं यहाँ पर नेटोरन फेंट हो गया। ओके पॉइजन हो चुका है यहाँ पर उसे, चलो काफ़ी बढ़िया, अब तो हरा ही दूंगा वैसे उसमें। स्विच करना है मुझे यहाँ पर। ओके यहाँ पर एक ही पोकेमोन बचता है मेरा भी, साइवेव। ओके यार मैं यहाँ पर हार गया, अरे यार मैं यहाँ पर दोबारा एक हाइकर से हार गया यार थोड़ा, चलो दोबारा चलना पड़ेगा मुझे वापस वहीं पर। ओके मैं अंबर वैली में क्यों आ गया यार, यहाँ पर लगता है मैंने अपने पोकेमोन हिल नहीं कराया वहाँ पर। ओके वापस चलना पड़ेगा वहाँ पर जल्दी से। सो हम दोबारा से आ चुके हैं यहाँ पर केव में, और अब की बार मैं इस तरह चलने वाला हूँ। एक यहाँ पर टायरोक भी है वैसे, और मुझे टायरोक अभी कैप्चर नहीं करना। ओके यहाँ पर एक रोगिन रोला भी घूम रहा है, और मैं चुका नीचे। ओके यहाँ पर ये कौन है, जाइडा है इसका नाम। ओके हाँ डू यू नो, ओ वेट यू आर अ न्यू ग्रेजुएट, लुक इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट ज्वाइनिंग अस आई एम सॉरी, वी हैव ऑल द न्यू रिक्रूट्स वी नीड, आई कैंट हेल्प यू। मुझे यहाँ पर ज्वाइन ही नहीं करना बेसिकली। वॉट द रेंजर्स वॉन्ट द फ्लूट एंड दे सेंट यू टू टेक इट, ओ दैट्स जस्ट प्रीसियस, विल सी अबाउट यू अबाउट डैट। ओके यू मेड अ मिस्टेक। ओके मिस्टेक बता रही है मुझे, चलो देखते हैं इसे बैटल करते हैं यहाँ पर। शायद इसी के पास वो फ्लूट है, ओके सीकर है बेसिकली ये भी। ओके नो बैट इसके पास, देखते हैं यहाँ पर साइवेव कितना डैमेज दे पाएगा। ओके थोड़ा डैमेज तो दिया वैसे उसने, लेवल काफ़ी अच्छा है वैसे उसका, लेवल 6 पर है वो। ओके स्क्रीच लगता है उसे स्क्रीच अटैक ही आता है बस, मेरा डिफेंस कमज़ोर कर रहा है बेसिकली वो। ओके लिटरली एचपी तो काफ़ी लेके गया अब मेरी अब की बार, और फेंट करने वाला हूँ बस उसे। ओके मेरी एचपी काफ़ी कम बचती है यहाँ पर। ओके फाइनली यहाँ पर मैंने नोई बैट घुड़ा दिया है, और लेवल भी काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए वैसे अब की बार तो स्पॉइंग को। मैं यहाँ पर इसका अटैक स्पेशल अटैक बढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। ओके वो हार चुकी है मुझसे, फाइन रोज कैन हैव द फ्लूट इफ ही वॉन्ट्स इट सो बैडली, इट्स नॉट लाइक वी एक्चुअली नीड इट, इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। नाउ गेट आउट ऑफ माई वे। ओके मुझे हटा रही है यहाँ पर ये, तो शायद मेरे पास फ्लूट आ चुकी है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, लिखा तो कुछ आया नहीं वैसे। ओके हाँ है यहाँ पर एक फ्लूट, सीकर फ्लूट, अ फ्लूट डिजाइन बाय सीकर्स टू लोअर नो आउट नोई बैट। ओके नोई बैट को यहाँ पर लोअर आउट करता है। नोई बैट तो वैसे काफ़ी अच्छा पोकेमोन है एक, मैं इसे कैप्चर जरूर करूँगा अगर मुझे मिलता है यहाँ पर वो, बट अभी के लिए मुझे जाना है यहाँ से आगे शायद। चलो चलते हैं यहाँ से आगे, और बैटल करना पड़ेगा मुझे यार, मैंने अपने पोकेमोन को हिल भी नहीं किया। अरे यार अब जल्दी से बैटल कर लेते हैं इससे, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दो पोकेमोन्स, ओके मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा पोकेमोन को। ओके यहाँ पर चलो वैसे आराम से हरा दूंगा वैसे इन्हें तो मैं, डबल किक करके यूज़ करके। ओके वीक आर्मर सबके पास यही अटैक, मतलब सबके पास एक ही पोकेमोन है यार यहाँ पर,
सबके पास यहाँ पर रोकिन रोलर ही है बस। ओके टैकल अटैक कर रहा है वो, ठीक है टैक्स डिफेंड करते हैं यहाँ पर उसे, काफ़ी बढ़िया। ओके निरोन का लेवल अप हो चुका है यहाँ पर, मैं इसका अटैक स्ट्रॉन्ग कर, एक सेकंड आपके पास डिफेंस बढ़ा देता हूँ उसका थोड़ा। चेंज करते हैं यहाँ पर पोकेमोन को, यहाँ पर मैं बुलाऊंगा स्पॉइंग को। ओके यहाँ पर उसके पास एक रोकरूफ, अब पोकेमोन चेंज करता हूँ दोबारा से, इससे इसके यहाँ पर ट्रेनिंग होती रहेगी। यहाँ पर एक्सपीरियंस ही पता नहीं कब मिलने वाला है मुझे। ओके डबल किक करता हूँ यहाँ पर मैं दोबारा से, फेंट काफ़ी बढ़िया। स्पॉइंग को भी लेवल मिल रहा है यहाँ पर, चलो ठीक है यहाँ पर मैं जीत चुका हूँ बैटल को इसे। ओके अब मैं यहाँ पर पहले एक काम करता हूँ, मैं अपने पोकेमोन को हील कराता हूँ पहले तो। यहाँ पर मेरे पास पोशंस पड़े हुए हैं वैसे। ओके यहाँ पर ये रहा पोशन, मेरे पास दो ही पड़े हैं वैसे तो, मिल लेने पड़ेंगे जाकर। ओके काफ़ी बढ़िया, हम यहाँ से निकलते हैं आगे हम। और यहाँ पर एक रोगन रोजा भी है वैसे, और यहाँ पर एक बार इस तरफ जाकर देखते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ पर। ओके यहाँ पर एक ये दोबारा से साइन अनफिनिश्ड साइन बोर्ड है कंफर्म। ओके कुछ भी नहीं हुआ इससे तो। ओके यहाँ पर हम आ चुके हैं बाहर, फुट ऑफ माउंट ओर। ओके माउंट ओर के नीचे वहाँ पर कुछ पिंड थे शायद वो, और वो उड़ चुके हैं। मुझे देखो यहाँ पर एक और निड्रोन है, दो दो निड्रोन्स, और यहाँ पर एक पोकेबॉल है। ओके हाइव बॉल मुझे यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया। और इस तरफ देखते हैं अब, यहाँ पर वैसे एक रोक भी रखा हुआ है, देखते हैं इसके ऊपर कुछ है तो नहीं। ओके कुछ नहीं है इसके ऊपर, इस तरफ एक रास्ता जा रहा है शायद से। ओके नहीं जा रहा शायद, माउंट ओर और रोजवुड ग्रोव। ओके रोजवुड ग्रोव है मतलब इससे आगे। ओके यहाँ पर कुछ लगता है यहाँ कुछ कोई आया था पहले, यहाँ पर लगता है आग जला रहा था, यहाँ पर बारिश हो रही है इस वक्त तो। और कुछ पोकेमोन्स भी हैं वैसे यहाँ पर, ये पोकेमोन्स जैसे ग्राउंड टाइप पोकेमोन्स हैं, मुझे अभी मुझे कैप्चर नहीं करना उन्हें। ओके मैं आ चुका हूँ रोजवुड ग्रोव में। वैसे उसने यार रोज ने भी बताया तो नहीं वो कहाँ मतलब कहाँ रहता है, उसने मुझे अपने घर के रास्ता भी नहीं बताया। अब मैं इसे फ्लूट किसे दूंगा। ओके यहाँ पर एक स्क्रैगी है। ओके हे दिस इज़ अवेकर्ड एंड इज स्पेयर चेंज जस्ट एन फॉर द इन फॉर द नाइट से 50। ये क्या कह रहा है वैसे, डोनेट। ओके डोनेट, अरे हमने डोनेट कर दिए पैसे, चलो कोई बात नहीं डोनेट करते रहना चाहिए पैसे वो। और यहाँ पर मुझे अब जाना है, जाना कहाँ है वैसे मुझे यार मुझे पता नहीं। ये यहाँ पर ये ना चुके वैसे, एक बार मैं एक काम करता हूँ पहले तो, मैं अपने पोकेमोन हील कराता हूँ पहले तो। ओके ये रोज़ यहाँ पर खुद ही आ गया, चलो काफ़ी बढ़िया। गीगा आई हैव बीन लुकिंग एवरीवेयर फॉर यू, मैं इसे ढूंढ रहा था, ये मुझे कहाँ ढूंढ रहा था। आई वॉज रियली कंसर्न, डिड यू इन्वेस्टिगेट इट इन्वेस्टिगेट इन माउंट ओर, डिड यू फाइंड एनी सीकर। हाँ बिल्कुल मैंने यहाँ पर उससे वो फ्लूट ले भी लिया। यू बैटल वन ऑफ देम वो एंड यू टुक द फ्लूट टू, हाँ बिल्कुल। वेल वेल डन गीगा, यू एक्सीड माई एक्सपेक्टेशंस, जेस्पर विल बी सो इम्प्रेस्ड, कंसिडर योर सेल्फ हायर्ड गीगा। डू यू नो वेयर द रेंजर्स यूनियन इज, इट्स इन द फॉरेस्ट, यू कैंट मिस इट, वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ज्वाइन द टीम बाय फोन नाउ। ओके तो मैं ज्वाइन करना है वहाँ पर टीम को, बट उससे पहले मैं यहाँ पर हील करूँगा पोकेमोन्स को अपने। और गाइस मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं, और इससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले अगली वीडियो में। और अगर आपसे वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करवाएं। और मैं आपसे को मिलता हूँ पोकेमोन की अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।